चलिए यहाँ ध्यान दे। ओए हम लोग पढ़ेंगे आज वर्ब, क्या पढ़ेंगे? वर्ब पढ़ेंगे क्योंकि वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन पढ़ लिए, प्रीपोजिशन का समाप्त हो गया अंदर। प्रीपोजिशन देख लें, जब 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 हम टेंस स्टार्ट करेंगे तो प्रीपोजिशन का बहुत जरूरत पड़ेगा। प्रीपोजिशन और वर्ब ये दोनों का बहुत जरूरत पड़ेगा जब जब हम टेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो प्रीपोजिशन जब उस समय प्रीपोजिशन ने बताएंगे कैसे से बोल, उसमें लिखा रहेगा क्या, मैं चाकू से आम अथी सेब काटता हूँ, आम नहीं कटेगा, मैं चाकू से, अरे ठीक आ जाएगा ना, मैं चाकू से सेब काटता हूँ, मैं चाकू से सेब, तो यहाँ पर होगा क्या, आई कट आई कट एन एप्पल। अब तुमने पूछेगा चाकू से लिखा ले तो यहाँ पर क्यों चीज़ है, चाकू तो जानते हैं कि नाइफ हो जाएगा, लेकिन से के क्या दें, फ्रॉम दें कि बाय दें कि विथ दें कि सिंस दें कि फोर दें कि ऑफ दें, बहुत सारा पढ़ा दिए हैं। तो प्रीपोजिशन ने बता दिए ना कि चाकू क्या है, औजार है, क्या है, तो औजार या हथियार रहता है तो देते हैं क्या हम विथ, क्या देते हैं, तो होगा विथ नाइफ, क्या होगा। तो जब हम टेंस पढ़ाएंगे तो सब नहीं बताएंगे, इसे तुम लोग जाकर पहले प्रीपोजिशन पढ़ लो, ठीक है ना। प्रीपोजिशन पढ़ लेना है, उसके बाद वर्ब, वर्ब के जस्ट बाद स्टार्ट करेंगे हम क्या, टेंस स्टार्ट करेंगे। और टेंस स्टार्ट करने पहले हम सीखेंगे सब्जेक्ट क्या हो, किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, कंप्लीमेंट किसे कहते हैं, उसके बाद टेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चलो देखो आज पढ़ेंगे वर्ब, क्या पढ़ेंगे, वर्ब है, वर्ब के बिना कोई वर्ब के बिना जो है कोई सेंटेंस बोल ही नहीं सकता, चाहे हिंदी का हो या इंग्लिश का सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना संभव बोलना नहीं है, है जितना भी काम है दुनिया में सब क्या है वर्ब, चाहे हंसना हो, उठना हो, रोना हो, बैठना हो, पटकना हो, मारना हो, गाली देना हो, गरियाना हो, कुछ हो भी हो, सब कौन चाहिए वर्ब, कौन चाहिए वर्ब, यानी जितना भी काम है जिसके अंत में ना आ रहा है, क्या रहा है, ना, खेलना, हंसना, पीना, उठना, बजारना, बैठना, सब क्या है वर्ब, क्या है वर्ब, यानी वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस बोलना संभव नहीं है, बोलना संभव नहीं है। यानी वर्ब क्या है, जैसे मान लो कि ये क्या है, ये मान लो क्या है, गाड़ी, क्या है, गाड़ी है, तो गाड़ी का ही कौन चीज़, चक्का, कौन चीज़ है, जैसे मान लो कि वाइक होता है, क्या होता है, तो वाइक में तीन चीज़ होता है, एक होता है सब्जेक्ट, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट आगे पढ़ाएंगे जब हम वर्ब खत्म करेंगे, तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट क्या होता है आगे बताएंगे, ठीक है ना। तो वर्ब में अति कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट समझ लो, उसको कहते हैं काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, काम करने वाले को, या कौन का उत्तर, यानी क्वेश्चन में पूछा कौन लगा के, तो कौन का उत्तर सब्जेक्ट होता है, कौन का उत्तर क्या होता है, और क्या और किसे का उत्तर, क्या और किसे का उत्तर ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, जैसे राम आम खाता है, कौन खाता है, राम खाता है, तो राम हो गया सब्जेक्ट, क्या हो गया सब्जेक्ट, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, कौन पढ़ाता है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, क्या हो गया सब्जेक्ट, और क्या और किसे का उत्तर, क्या और किसे का उत्तर ऑब्जेक्ट कहलाता है, क्या कहलाता है ऑब्जेक्ट, जैसे बोलेंगे क्या, मैं क्या बोले थे, मैं आम खाता हूँ, ये ना राम आम खाता है बोलिए, यानी बोले थे, तो राम आम खाता है, तो कौन खाता है, राम, तो राम सब्जेक्ट, क्या खाता है, आम खाता है, तो आम क्या हो गया ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो कौन पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं सब्जेक्ट, किसे पढ़ाता हूँ, तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो तुम्हें, तो क्या हो गया, तुम्हें हो गया ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, समझ आ गया ना। तो क्यों, कौन का उत्तर सब्जेक्ट, और क्या और किसे का उत्तर ऑब्जेक्ट, तो कोई भी वाक्य में तीन चीज़ मेन होता है, एक होता है सब्जेक्ट, क्या होता है, और एक होता है वर्ब, एक क्या होता है वर्ब, वर्ब तुम लोग जानिए गया, खाना पीना, हंसना, रोना, बैठना, गाली देना, बजारना, मारना, पिटना, काटना, सब क्या है वर्ब, क्या है वर्ब, तो वर्ब तुम लोग जानिए गया है, और एक होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट भी तुम लोग अभी सीख गया है कि क्या या किसे का उत्तर होता है ऑब्जेक्ट, समझ गया ना, तो ऑब्जेक्ट, और इसके बाद जो बाकी बात बचता है सबको बोलते हैं कंप्लीमेंट, क्या बोलते हैं कंप्लीमेंट, क्या बोलते हैं कंप्लीमेंट, तो यहाँ ध्यान दो, कोई भी गाड़ी में अगला चक्का सब्जेक्ट का काम करता है, क्या करता है सब्जेक्ट, और पिछला चक्का ऑब्जेक्ट, पिछला चक्का ऑब्जेक्ट, अब बीचा में जो इंजनवा है, इंजन बिना गाड़ी चलेगा, तो इंजनवा क्या है वर्ब, क्या है वर्ब, यानी वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ब नहीं रहेगा तो कोई भी वैल्यू ना है, क्योंकि वर्ब से ही सेंटेंस बनेगा, क्या बनेगा, जैसे राम आम खाता है, तो खाली बोलेगा राम आम, ये कौन चीज हुआ, राम आम खाता है, जब तक नहीं रहेगा पता चलेगा की कर रहा है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, बोलेंगे मैं तुम्हें, अब कौन चीज़ तुम लोग कर रहे हैं, पीट रहे हैं, बजा रहे हैं, उठा रहे हैं, पटक रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, की कर रहे हैं, यानी वर्ब क्या है, इंजन, क्या है, इसके बिना संभव ना है कोई भी सेंटेंस, समझ गए, तो आज पढ़ेंगे वर्ब, क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे हम वर्ब, क्या पढ़ेंगे वर्ब, और वर्ब के बाद तुम सब्जेक्ट भी सीख गया ना, सीखा कौन का उत्तर सब्जेक्ट, और क्या और किसे का उत्तर ऑब्जेक्ट, और ये तीनों के अलावा जो बच गया सब कंप्लीमेंट, जो बच गया सब कंप्ली, जैसे मैं बोलूँगा कौन चीज़ बोलूँगा, मैं यहाँ ध्यान दे, मैं कलम से एक पत्र लिखता हूँ, तो कौन लिखता है, मैं लिखता हूँ, तो कौन का उत्तर सब्जेक्ट, मैं हो गया सब्जेक्ट, क्या लिखता हूँ,
पत्र लिखता हूँ तो क्या क्या उत्तर या किसे का उत्तर ऑब्जेक्ट, पत्र हो गया ऑब्जेक्ट ना हो गया, और लिखता हूँ तो लिखना काम है ना, तो लिखना हो गया वर्ब, क्या हो गया वर्ब हो गया। और जो बच गया कलम से ये कुछ है ती बच गया ना, तो जो बच गया ये तीनों के अलावा जो बच गया तो कलम से बच गया तो हो गया कम्प्लीमेंट, क्या हो गया। अब तू लोगों ने पूछना यहाँ पर टेंस जब पढ़ाएंगे कि से के लिए क्या देंगे, तो यहाँ औजार है, अरे स्टूडेंट का औजार ना है कलम, तो हो जाएगा विथ पेन, क्या हो जाएगा, तो यहाँ कलम से क्या हो गया कम्प्लीमेंट, क्या हो गया, कोई दिक्कत है। चलिए यहाँ ध्यान देते, हम पढ़ेंगे भर्व, क्या पढ़ना है भर्व, मिटाने वाला कहाँ गया, तो हम पढ़ेंगे भर्व, क्या पढ़ेंगे, तो भर्व किसे कहते हैं पहले समझेंगे, भर्व किसे कहते हैं, भर्व किसे, ठीक है ना, तो भर्व किसे कहते हैं, हाँ तो बोलेंगे विच वर्ड्स, क्या बोलेंगे विच वर्ड्स, यानी वैसा शब्द, वैसा वैसा शब्द विच वर्ड्स, ठीक है ना, डैट बोलते हैं डेट वर्ड्स, क्या बोलते हैं डेट वर्ड्स, विच डेट वर्ड्स विच, ठीक है ना, वैसा शब्द या वह शब्द विच मतलब जो दिखाता है, तो विच सो विट सो एक्शन, क्या दिखाता हो एक्शन, या एक्शन दिखाएगा या और मतलब होता है, और मतलब होता है या, क्या होता है और मतलब या, तो एक्शन दिखाएगा या क्या दिखाएगा, तो या दिखाएगा स्टेट, क्या दिखाएगा, अब इसका हिंदी भी समझाएंगे, या दिखाएगा स्टेट ऑफ बीइंग, क्या दिखाएगा स्टेट ऑफ, यानी डेट वर्ड्स यानी वैसा शब्द, वैसा विच सो यानी जो दिखाता है, विच मतलब जो, सो मतलब दिखाना, तो विच सो यानी जो दिखाता है, क्या दिखाता है एक्शन को, क्या दिखाता है एक्शन, यानी जितना काम है सब एक्शन है ना, ना है खाना पीना हंसना रोना बटना उठाना बजारना गाली देना या जो भी बोल रहे हैं सब क्या है एक्शन है, तो जिसके अंत में ना आ रहा है सब क्या है एक्शन, क्या है एक्शन, या क्या दिखाता है, तो या दिखाता है स्टेट, स्टेट बोले तो अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग यानी अवस्था क्यों दिखाता है, क्या दिखाता हो अवस्था, अवस्था तो समझ रहा है, ऐसे मैं बोल रहा है यहाँ ध्यान दे, मैं खाता हूँ तो प्रेजेंट का अवस्था दिखा रहा है ना दिखा रहा है, बोलेंगे कि मैं खाता था तो पास्ट का अवस्था दिखा रहा है ना दिखा रहा है, मैं खाऊंगा तो फ्यूचर का अवस्था दिखा रहा है, दिखा रहा है ना, लेकिन यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर इससे तुम लोग को क्लियर ना हुआ होगा, यहाँ समझ जल इससे क्लियर ना हुआ क्योंकि इसमें कुछ नहीं आया, देखें मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर यहाँ समझ, मैं डॉक्टर हूँ, या बोलेंगे मैं डॉक्टर था, मैं डॉक्टर था, ठीक है ना, मैं डॉक्टर डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, तो इसमें देखिए इसमें कोई एक्शन है क्या, एक्शन ना है, भारत दो टाइप का होता है, एक होता है एक्शन या होता है स्टेट, एक होता है एक्शन या होता है, एक्शन होगा वो जो सब काम है खाना पीना उठना बैठना रोना बजरना मारना पिटना गाना हंसना नहाना सब है क्या एक्शन, क्या है, लेकिन अस्टेट, अस्टेट बोले तो अवस्था, अस्टेट बोले तो यहाँ पर कोई एक्शन है, एक्शन नहीं ना, मैं डॉक्टर हूँ तो कोई काम है क्या, लेकिन ये अवस्था दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, तो प्रेजेंट का अवस्था दिखा रहा है कि अभी डॉक्टर है, मैं डॉक्टर हूँ यानी वर्तमान समय में क्या है, तो क्या दिखा रहा है अस्टेट दिखा रहा है, उसका अवस्था दिखा रहा है, मैं डॉक्टर था तो पास्ट अवस्था दिखा रहा है, भूतकाल का स्टेट दिखा रहा है, मैं डॉक्टर बनूंगा तो फ्यूचर का दिखा रहा है ना दिखा रहा है, तो ये सब भी क्या है, ये सब भी वर्ब है, लेकिन एक्शन वर्ब ना है, कौन वर्ब है, तो स्टेट वाला, कौन वाला है, यानी इससे पता चल गया कि वर्ब दो टाइप का होता है ना, पता चल गया, एक एक्शन वाला और एक अवस्था दिखाने वाला, स्टेट दिखाने वाला, पता चल गया कि वर्ब दो प्रकार का होता है, तो पढ़ते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें, अब देखिए यहाँ पर अभी जो पढ़ा रहे हैं भर्व, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, पढ़ाएंगे वी वन किसे कहते हैं, वी टू किसे कहते हैं, वी थ्री किसे कहते हैं, वी फोर किसे कहते हैं, वी फाइव किसे कहते हैं, ये पांचों याद रहेगा तभी तुम लोग बनेगा टेंस, चल यहाँ ध्यान दें, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इसका हिंदी हो जाएगा वैसा शब्द, वैसा शब्द, वैसा शब्द डेट वर्ड्स यानी वैसा शब्द विच सो जो दिखाता हो, जो दिखाता हो, दिखाता हो एक्शन को यानी कार्य को, जो दिखाता हो किसी कार्य को लिख देते हैं, किसी कार्य को, किसी कार्य को, किसी कार्य को या अवस्था को, या अवस्था को वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है भर्व, क्या कहलाता है, अब भर्व पर बता दिया कि दो टाइप का होता है, इसे पता चल गया ना, पता चला डिफिनेशन से पता चल गया कि भर्व कितना टाइप का होता है, दो टाइप का, कितना होता है दो टाइप, देख सकते दो टाइप का क्या होता है, तो एगो जो है मेनका भर्व है ना, ये जो एक्शनवा है यही मेन भर्व है, ये तो जो था है था या ई जो मतलब होता है ना, अभी ना बताए थे मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर था तो था हो गया, मैं डॉक्टर बनूंगा तो तीन गो हो गया, लेकिन ये सब को मेन थोड़े है, मेन ये सब है कि मेन रहेगा कामन तुम्हारा हंसना रोना बैठना खाना उठना ये सब, ये सब ना मेन है, तो एक होता है मेन वर्ब, क्या होता है एक होता है मेन वर्ब यानी जितना भी काम है सब क्या है मेन वर्ब, क्या है
एक होता है हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्प करने वाला, हेल्प करने वाला, तो हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, यही होगा जैसे अभी बोले थे हैं लास्ट में, लास्ट में बोले थे था बोले थे, लास्ट में बोले बनूंगा बोले थे, नहीं बोले थे, यानी इज एम आर वाज वेयर, ये सब क्या होगा, इस जगह हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगा। तो एक हो गया मेन वर्ब, एक हो गया हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब तो सिंपल है, जैसे बोलेंगे खाना, तो खाना काम हो गया ना, तो ये हो जाएगा ईट, क्या हो जाएगा ईट, ना हो गया पढ़ा, पढ़ना तो रीड, यानी जिसके अंत में ना आएगा, जिस काम के अंत में, जिस सभी काम जिसके अंत में ना आ रहा है, सब क्या है मेन वर्ब, क्या है पढ़ाना तो टीच हो जाएगा, ना हो जाएगा, लिखना तो राइट हो जाएगा, ना हो जाएगा, पीना तो ड्रिंक हो जाएगा, ना हो जाएगा, मरना तो डाई हो जाएगा, ना हो जाएगा, हंसना तो लाफ हो जाएगा, ना हो जाएगा, यानी लिखते जाओ, अंत होने वाला थोड़े है, जितना तुम लोग को दिमाग मारा लिखते जाओ। तो मैंने समझ गया ना, ना समझा, कोई दिक्कत है कि, चलिए आ रहे अब हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, जो इसको हेल्प करता है, इसको क्या करता है, ऐसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो आई एम रीडिंग, तो रीडिंग क्या हो गया मेन वर्ब हो गया, आई रीड से बना रीडिंग, कैसे बनेगा अभी बताएंगे, रीड से क्या बना रीडिंग, तो रीडिंग क्या हो गया मेन वर्ब हो गया। लेकिन एम जो लगा वो क्या कर रहा है, हेल्प नहीं कर रहा है, किसको हेल्प कर रहा है, तो रीड को हेल्प कर रहा है, कर रहा है ना, तो यानी हेल्पिंग वर्ब किसको कहेंगे, जो हेल्प करता हो, जो हेल्प, जो मेन वर्ब को हेल्प करता है उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई वॉज रीडिंग, तो मैं पढ़ रहा था, आई यहाँ आई विल अथी आई शैल बी रीडिंग, तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो नहीं हेल्प नहीं कर रहा है, रीडिंग तो हर जगह सब सेम है, रीडिंग हर जगह सेम था, लेकिन एक जगह आ गया इज, एक जगह आ गया एम, एक जगह आ गया विल बी, ना आ गया, तो तीनों हेल्प नहीं किया था रीडिंग को। तो हेल्पिंग वर्ब किसको कहेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब उसको बोलेंगे जो मेन वर्ब को हेल्प करेगा, जो मेन वर्ब को हेल्प करेगा। जैसे तो हेल्पिंग वर्ब में भी तीन प्रकार का होता है, एक होता है डू वाला, क्या होता है डू वाला, ठीक है ना, एक होता है बी वाला हेल्पिंग वर्ब, और एक होता हैव वाला हेल्पिंग वर्ब, तीन को हेल्पिंग वर्ब होता है, एक होता है डू वाला, एक होता है बी वाला, एक होता हैव वाला। तो डू का डू ये रहता है, डू का क्या रहता है, डू से बन जाएगा, डू बन जाएगा, या डिड बन जाएगा, या डन बनेगा, डू डिड डन, डू डिड। लेकिन बी से क्या होगा, तो बी से होगा इज होगा, बी वाला होगा एम होगा, आर होगा, बोलेगा इज एम आर का जो मेन वर्ब है क्या है, तो बी है, क्या है, यानी बी से सब बन रहा है, समझ रहा है ना, इज मतलब है, एम मतलब हूँ, आर मतलब है या है, समझ रहा है ना, वाज क्या, वाज हो जाएगा, वेयर हो जाएगा, ना हुआ, वाज हो जाएगा, वेयर हो जाएगा, सब किससे बना है, बना है बी से, किससे बना है, हैव से, कौन सा हेल्पिंग वर्ब बनेगा, तो हैव से बनेगा, हैज बन जाएगा, हैव ए खुद रहेगा, हैव ए जैसे डू खुद था ना, उसमें कहा बी यहाँ खुद रहेगा, बी छूट गया, बी से बन जाएगा बीन, क्या बनेगा, बीन बनेगा, बी से क्या बनेगा, बीन, या बी खुद रह सकता है, बी खुद रह सकता है, बी भी खुद रह सकता है, ऐसे ना बोले थे विल बी, तो बी खुद था ना, सेल बी, तो बी खुद नहीं था, तो बी खुद रहेगा, उसी प्रकार यहाँ पर डू के डू खुद था, उसी प्रकार हैव के हैव खुद रहेगा, तो हैज हो गया, हैव हो गया, और हैड हो गया, तो ये सब क्या है, सब हो गया हेल्पिंग वर्ब, क्या हो गया, ये क्या करेगा, तो मेन वर्ब को हेल्प करेगा, मेन वर्ब को, तो कोई दिक्कत अभी वर्ब में, कोई दिक्कत, वर्ब दो टाइप का होता है, पढ़ लिए, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब, क्या होता है, या इसी हेल्पिंग वर्ब को ये सब जो है इसको एक्जुरली वर्ब भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्जुरली वर्ब, क्या बोलते हैं, एक्जुरली वर्ब, क्या बोलते हैं, एक्जुरली, यानी हेल्पिंग वर्ब का ही टाइप है, कौन, एक्जुरली वर्ब, क्या है, ये सबको एक्जुरली वर्ब भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्जुरली वर्ब, कोई दिक्कत, मेन वर्ब में कोई दिक्कत है। अब देखें, अब सीखेंगे किसको, मेन वर्ब जो होता है ना, मेन वर्ब जो होता है पांच टाइप का होता है, क्या टाइप का होता है, पांच टाइप का होता है, ठीक है ना, पहला जो टाइप होता है उसको बोलते हैं V1, क्या बोलते हैं, दूसरा टाइप जो होता है उसको V2, क्या बोलते हैं, अब मेन वर्ब है तो यहाँ पर एम भी बोल सकते हैं, MB1, MB2, MB3, समझ रहा है ना, तो पहला टाइप है V1, दूसरा है V2, तीसरा है V3, चौथा है V4, और पाँचवा है V5, या इसको हम बोल सकते हैं एम से मैन, बी से भर, तो MB1, MB2, MB3, MB4, MB5, कोई दिक्कत है। अब यहाँ समझना है तुम लोग को, यहाँ ध्यान दे, जो जितना भी वर्ड जैसे यहाँ पर कोई भी वर्ड उत्पन्न हुआ, क्या हुआ, जन्म लिया, जन्म लिया है ना, तो V1 के रूप में जन्म लेता है, जैसे बोलेंगे खाना, खाना का इट, तो क्या हो गया V1, क्या हो गया, पीना, पीना का ड्रिंक, तो ड्रिंक क्या हो गया V1, यानी सब जन्म जो लिया वर्ब वो किसके रूप में जन्म लेता है, तो V1 के रूप में जन्म लेता है, और फिर उसको बदलते हैं किस में, तो V2 में, V3 में, V4 में, V5 में, ऐसे आदमी को जन्म लेता है, तो आदमी के रूप में जन्म लेता है, वैन बनता है लास्ट में, डॉक्टर को बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, कोई आतंकवाद बन जाता है, कोई चोर बन जाता है, कोई डाकू बन जाता, नहीं बनता है, उसी प्रकार वर्ब जो जन्म लेगा वो किसके रूप में लेगा, जो भर्व जन्म लेगा वो लेगा V1 के रूप में, उसी को बदलेंगे V2 के रूप में, V3 के रूप में, V4 के रूप में, V5 के रूप में, समझ आ गया तुम लोग को, ऐसे बोलेंगे जाना,
तो जाना हो गया भी वन, जैसे जाना क्या होगा गो, क्या होगा ना होगा गो, तो गो हो गया भी वन। रोना, तो रोना क्या होता है, रोना क्या होता है, विप ना होता है, तो डब्ल्यू डब्ल्यू पी हो जाएगा। बोलेंगे हंसना, हंसना क्या होता है, लाभ क्या होता है, तो जो डायरेक्ट हम बोल रहे हो क्या है भी वन क्या है। और याद रखना तुम लोग को बताया था कि नाउन क्या होता है सिंगुलर, नाउन क्या होता है नाउन, तुम लोग को सिंगुलर पुलर पढ़ाए थे ना, तो पढ़ाए थे नाउन सिंगुलर जन्म लेता है, यानी नाउन सिंगुलर होता है, क्या होता है। ऐसे बोलेंगे पेन, तो पेन तो सिंगुलर था लेकिन उसमें एस लगा दिया बन गया पेंस, क्या बन गया, तो नाउन सिंगुलर जन्म लेता है, लेकिन वर्ब जो जन्म लेगा वो लेता है पुरलर जन्म, क्या लेता है, यानी नाउन को बनाते हैं हम क्या पुरलर, नाउन होता है सिंगुलर उसको बनाए थे पुरलर, पढ़ा दिए तुम लोग को कैसे बनता पढ़ा देते हैं ना, तो नाउन होता है सिंगुलर उसको बनाते हैं, लेकिन वर्ब जो होता है ना पुरलर होता है उसको सिंगुलर बनाते हैं उसको सिंगुलर, यानी जो भी वन रहेगा ना जो वर्ब, जो भी वन जो है ये क्या होगा, ये होगा पुरलर, क्या होगा, समझ तुम लोग आया, भी वन जो रहेगा क्या रहेगा पुरलर, तो इसको सिंगुलर बनाने के क्या नियम है, तो वही नियम है जो पढ़ाए थे हम तुम लोग को, कब नाउन को पढ़ाए थे सिंगुलर से पुरलर बनाने के लिए पढ़ाए थे ना, कब एस जोड़ते हैं, कब ई एस जोड़ते हैं, कब आई एस जोड़ते हैं, पढ़ाए थे ना, तो वही नियम यहाँ पर है पुरलर वर्ब को पुरलर से सिंगुलर बनाने के लिए, समझा तुम लोग, नाउन को जो नियम था सिंगुलर से पुरलर बनाने के लिए वही नियम यहाँ है वर्ब को पुरलर से सिंगुलर बनाने के लिए। अब बोलेगा कौन वर्ब सिंगुलर है, वी टू सिंगुलर है कि वी थ्री है कि वी फोर है कि वी फाइव है, तो वी फाइव सिंगुलर होता है, क्या होता है वी फाइव सिंगुलर होता है, वी फाइव क्या होता है सिंगुलर होता है, समझा तुम लोग। जैसे देख यहाँ पर, यहाँ ध्यान, जैसे हम यहाँ पर गो, गो मतलब जाना, गो क्या है सिंगुलर है कि पुरलर है, पुरलर है, क्योंकि बताया था वर्ब जन्म लेता है पुरलर के रूप में, बताया था ना, तो गो हो गया पुरलर, क्या हो गया, और तुम लोग को पढ़ाया था उस समय नाउन में क्या जिसके अंत में ओ हो उसके पहले भोवेल हो तो उसके लास्ट में हम ई एस जोड़ के पुरलर बनाते हैं, पढ़ाए थे नाउन में सिंगुलर से पुरलर पढ़ाए थे, ऐसे पढ़ाए थे मैंगो होते हैं मैं एन जी ओ, तो वहाँ पर लगाए थे ई एस लगाए थे, तो यहाँ भी लगा देंगे ई एस, क्या लगा देंगे, तो हो जाएगा गोज, क्या हो जाएगा, तो ये हो गया सिंगुलर, आई हो गया ये हो गया वी वन, ये हो गया वी फाइव, अरे बंदर वी फाइव क्या हो गया, तो वी वन होता है पुरलर, वी फाइव होता है सिंगुलर, समझा तुम लोग, समझा। उसी प्रकार मान लो यहाँ पर लिख दिए क्या कराए, क्या लिख दिए कराए, तो तुम लोग को पढ़ाए थे कब देख लेना तुम लोग जाके, जब पढ़ाए थे सिंगुलर से पुरलर पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे जब अंत में वाई हो, अंत में और उसके पहले भोवेल हो, उसके पहले भोवेल हो, तो उस तब उसको पुरलर बनाने के लिए, नाउन को पुरलर बनाने के लिए वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ते हैं, बताए थे, तो यहाँ भी वाई हट जाएगा, क्या जुट जाएगा आई ई एस जुटेगा, तो हो गया क्राइज, क्या हो गया, तो सी आर आई ई एस क्राइज, समझा तुम लोग। उसी प्रकार रहेगा फ्लाई, क्या रहेगा, तो हो जाएगा फ्लाइज, क्या हो जाएगा, समझा तुम लोग, यानी वो नियम में काम दे रहा है नहीं दे रहा है, दे रहा है रे। उसी प्रकार तुम लोग बताए थे कि जिसके अंत में एस हो, जिसके अंत में नाउन, नाउन को जब हम सिंगुलर से पुलर बना रहे थे उसमें बताए थे जिसके अंत में एस हो, जिसके अंत में डबल एस हो, या सी एच हो, या एस एच हो, पढ़ाए थे, या एक्स हो, उसको पुरलर बनाने के लिए ई एस जोड़ते हैं, पढ़ाए थे, तो यहाँ बोलेंगे कि जिसके अंत में एस हो, या डबल ओ एस हो, या सी एच हो, या एस एच हो, या एक्स हो, या ओ हो, उस पुरलर वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए ई एस जोड़ेंगे, समझा तुम लोग। जैसे बोलेंगे कैच, कैच मतलब पकड़ना, कैच मतलब, तो लास्ट में सी एच आ रहा है ना, तो नाउन में जब सी एच आता था तो उसको पुरलर बनाने के लिए ई एस जोड़ते थे, तो यहाँ भी ई एस जोड़ देंगे, क्या जाएगा कैचेज, क्या हो जाएगा ना होगा, काम दे रहा हो बुलाया, तुम लोग को याद हो रहा है पीछे वाला कि नहीं, याद आ रहा है पीछे वाला, आ रहा है। उसी प्रकार मान लो यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर मान लो लिख दिए क्या लिख दिए हैं, कैच लिख दिए हैं, फ्लाई लिख दिए हैं, करा लिख दिए हैं, और कुछ लिख देते हैं, जैसे लिख दिए मैच, क्या लिख दिए मैच, तो हो जाएगा मैचेज, क्या हो जाएगा मैचेज, समझा तुम लोग। यानी सिंपल याद रखना तुम लोग क्या रखो, वी वन से वी फाइव बनाने के लिए जब अंत में रहेगा ओ, क्या रहेगा, या रहेगा एस, क्या रहेगा, या रहेगा डबल एस, क्या रहेगा डबल एस, या रहेगा सी एच, क्या रहेगा सी एच, या रहेगा एस एच, क्या रहेगा एस एच, या रहेगा एक्स, क्या रहेगा एक्स, ठीक है ना। तो वी वन से वी फाइव बनाने के लिए ई एस जोड़ना है, क्या जोड़ना है ई एस, क्या जोड़ना है, यानी पुरलर वर्ब से सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए ई एस जोड़ना है, पता चला। लेकिन जब लास्ट में रहेगा वाई, क्या रहेगा लास्ट में, क्या रहेगा वाई, लास्ट में क्या रहेगा वाई, या उसके पहले मान लो रहेगा कॉन्सोनेंट सी लिख दिए, क्या लिख दिए सी, तो उसको पुरलर वर्ब से सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे वाई को हटाकर, वाई को कर देना है मर्डर, क्या कर देना है, और आई ई एस जोड़ना, आई एस जोड़ना है, समझ आ गया तुम लोग को। तो वी वन से वी फाइव बना लेगा, बना लेगा ना, ऐसे कुछ ना है, जब ऐसा नियम ना आ रहा है ऐसे बोल दिए हम क्या, यहाँ ध्यान दे, जैसे हम बोल दिए क्या, देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे तुम लोग, जैसे तुम लोग को बोले बोला पढ़ना, क्या बोल रहे हैं
पढ़ना था, आर ई ए डी रीड, इसमें कोई नियम काम कर रहा है? ओ एस डबल एस सी एच एस एच एक्स या वाई को नियम काम कर रहा है? तो जब कोई नियम नहीं काम करता तो क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं ना, पढ़ाते तुम लोग को नाउन में बताया ना कि जब कुछ नहीं काम कर रहा है तो क्या लेते हैं? एस क्या लेते हैं? तो इसमें दे देंगे एस हो जाएगा, रीड्स ना हो जाएगा, होगा उसमें कहा है हंसना, एल ए यू जी एच, कोई नियम काम कर रहा है देख तो, को लास्ट में आ रहा है ना आ रहा है तो क्या देंगे? खाली एस दे देंगे, हो जाएगा लाप्स, समझा तुम लोग? हाँ उसी प्रकार मान लो दे देंगे यहाँ पर टीचर, टीच देंगे तो इससे बन जाएगा, टीच देंगे तो किससे बनेगा? टी ई एस सी एच, सी एच आ रहा है ना तो क्या जोड़ना है? ई एस, क्या जोड़ना है? तो जाएगा टीचेज, क्या जाएगा? टीचेज ना होगा, टीचर मतलब पढ़ाना, टीच मतलब पढ़ाना, टीचर मतलब ही पढ़ाना, समझ आ गया तुम लोग को? उसी प्रकार मान लो यहाँ पर दे दिए हम पढ़ना, दे दिए यहाँ डंड दे दिए हम पर डाई, डाई मतलब मरना, डाई मतलब को नियम फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा तो एस जोड़ दो, समझा तुम लोग? हाँ उसी प्रकार राइट, क्या दे दे रहे हैं? राइट, तो राइट में कोई नियम फॉलो कर रहा है? ये सब नियम हमारे को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है तो एस दे दो, समझा तुम लोग? तो वी वन से वी फाइव आप बना लेगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? वी टू और वी थ्री बनाने के लिए, वी टू और वी थ्री, वी टू और वी थ्री बनाने के लिए 95% में ई ई जोड़ते, ई अच्छी डी जोड़ते हैं या ई डी जोड़ते हैं? क्या जोड़ते हैं? डी या ई डी, डी या ई डी, क्या बोल रहे हैं? वी टू या वी थ्री बनाने के लिए, खासकर वी थ्री, खासकर वी थ्री बनाने के लिए 90% डी या ई डी जोड़ते हैं, डी या ई डी जोड़ते हैं। 5% जो होता है वो अलग नियम है, आपको याद है तो उसको हम लिखा दिए अभी, तुम लोग अभी हम लिखवाएंगे, समझ आ गया ना? ऐसे बोलेंगे प्ले, क्या बोलेंगे? तो जोड़ दो प्ले में, जोड़ दो ई डी तो जाएगा प्लेड, क्या हो जाएगा? प्लेड मतलब खेलना, तो प्लेड वी टू भी प्लेड, वी थ्री भी प्लेड, समझा तुम जो? उसी प्रकार बोलेंगे क्या, उसी प्रकार मान लो बोल दिए प्ले बोल दिए, उसी प्रकार मान लो बोल दिए क्या यहाँ डे इंटर, क्या बोल दिए? इंटर, तो इंटर में जोड़ दो इंटर, है ना? तो ई तो लास्ट में हमें करता है, खाली डी जोड़ दो तो क्या जाएगा? इंटर, क्या जाएगा? तो वी टू भी इंटर, वी थ्री भी इंटर, वी टू भी इंटर और वी थ्री भी इंटर, समझा तुम लोग? उसी प्रकार बोलेंगे रिसीव, क्या बोलेंगे? आर ई सी आई भी, रिसीव बोल दिए ना, तो देखो रिसीव आर ई सी आई भी, भी बोले लास्ट में ई ना आया, अगर लास्ट में ई आएगा तो खाली डी जोड़ना है, क्या जोड़ना है? डी, अगर लास्ट में ई ना आएगा तो क्या जोड़ना है? ई डी, क्या जोड़ना है? तो जाएगा रिसीव्ड, क्या जाएगा? तो वी टू भी रिसीव्ड, वी थ्री भी रिसीव्ड, यानी 90% में डी या ई डी जोड़ देने पर वी टू या वी थ्री बन जाता है, 10% बच गया, तो 10% लिखाएंगे वो तुमको रटना पड़ेगा, समझा तुम लोग? इसे क्या बनाना है? वी टू वी थ्री बनाना सीख गया ना, यानी जिसके अंत में रहेगा ई उसमें सिर्फ जोड़ देना है डी, तो बन जाएगा वी टू, बन जाएगा वी थ्री, जिसके अंत में रहेगा ई ना, जिसके अंत में ई रहेगा उसमें जोड़ना है खाली ध्यान ध्यान दे, जिसके अंत में खाली रहेगा रहेगा ई उसमें जोड़ना है डी, क्या जोड़ना है? और जिसमें अंत में ई ना रहेगा उसमें जोड़ना है ई डी, तो बन जाएगा वी टू, बन जाएगा वी थ्री, ठीक है? और 90 बताया थे 90% इसी तरह करते हैं, 10% है तो जो रटना पड़ेगा, बता दिया ना, तो अभी हम लिखाएंगे। और वी फोर बनाने के लिए सिंपल नियम है, लास्ट में जोड़ते हैं आई एन जी, क्या जोड़ते हैं? आई एन जी, क्या जोड़ते हैं? यानी आई एन जी जोड़ दो तो बन जाएगा वी फोर, क्या बन जाएगा? वी फोर, जैसे बोलेंगे रीड तो रीडिंग ना हो गया, टीच तो टीचिंग, राइट तो राइटिंग ना हो गया, कराए तो कराइंग, लाफ तो लाफिंग, स्विम तो स्विमिंग, ठीक है ना? पिटना को होता है बीट तो बीटिंग, समझ रहा है ना? लिखना होता राइट तो राइटिंग हो जाएगा, मरना होता डाय तो डाइंग, समझ रहा है ना? यानी आई एन जी जोड़ दो बन जाएगा वी फोर, तो वी फोर तोड़ दीजिए ना जी, तब समझते हैं वी वन वी टू, ए वी वन वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव कैसे बनाते हैं, ठीक है ना? अब देख लेते हैं ये बोला मैं नहीं, ये बोला वी टू और वी थ्री बताए थे 90% में डी आर ई डी जोड़ते तो बन जाता है, तो जो 10% बच गया उसको रटना पड़ेगा, तो अब हम लिखाते हैं, कोई दिक्कत है? तो वी वन से वी फाइव बनाना सीख गया ना, अंत में रहेगा ओ या रहेगा एस या रहेगा डबल एस या रहेगा सी एच या रहेगा एस एस या रहेगा एक्स, तो जोड़ देना ई एस बन जाएगा वी फाइव, क्या बन जाएगा? या अंत में रहेगा वाई, वाई पहले रहेगा कॉन्सोनेंट, जोड़ देना है वाई को हटा देना है, जोड़ देना आई एस, जैसे यहाँ पर जोड़े हैं ना, तो बन जाएगा वी फाइव, बन जाएगा वी वन को बोलते हैं सिंगुलर अति प्लुरल वर्ब, और वी फाइव को बोलते हैं सिंगुलर वर्ब, समझा तुम लोग? और बताए थे कि वी टू और वी थ्री बनाना है तो 90% वर्ड इस तरह होता है, जिसके अंत में डी या ई डी जोड़ेंगे तो वी टू और वी थ्री बन जाएगा, जिसके अंत में जिस वर्ब के अंत में ई रहेगा उसके साथ सिर्फ डी जोड़ देना है, और जिसके वर्ब के अंत में ई ना रहेगा उसके साथ ई डी जोड़ना है वी टू और वी थ्री बनाने के लिए। और वी फोर बनाने के लिए सिर्फ आई एन जी जोड़ दो तो वी फोर बन जाएगा, समझ आ गया ना? हम लिखते हैं लिस्ट, ठीक है ना? चलिए ध्यान दे, अब देखें आप जो जो वर्ड लिखा रहे हैं हम वी वन वी टू वी थ्री लिखाएंगे उसका वी टू और वी थ्री याद करना पड़ेगा, क्योंकि बताया था ना कि 90% वर्ड ऐसा है जिसमें डी या ई डी लगा देंगे तो वी टू या वी थ्री बन जाएगा, बता दिए थे ना? लेकिन 10% वर्ड ऐसा है जिसको याद करना पड़ेगा, जिसको याद करना
तब हम तीन लिस्ट लिखाएंगे, कितना लिस्ट लिखाएंगे, तीन लिस्ट। उसके पहले देखिए यहाँ पर, जैसे लाभ का बनाना है, क्या लाभ का बनाना है, V2 और V3 बनाना है, लाभ का V2 या V3 बनाना है, तो सिर्फ क्या करेंगे, इसके अंत में ई नहीं आ रहा है तो जोड़ देंगे क्या, ED बताए थे ना, जिसके अंत में ई आएगा उसमें जोड़ना है सिर्फ डी, क्या जोड़ना है, V2 और V3 बनाने के लिए, और जिसके अंत में आएगा ई उसके अंत में जोड़ना है क्या, सिर्फ डी, और जिसके अंत में ई ना आएगा उसमें जोड़ना है ED, तो जो किसके अंत में ई ना आ रहा है इसमें जोड़ना पड़ेगा ED, V2 और V3 बनाने के लिए, तो जाएगा क्या, LAUGHED लाफ्ट, यहाँ पर हो जाएगा LAUGHED लाफ्ट, यानी V2 और V3 सेम हो गए ना, हो गया। यहाँ देख पले क्या है, पले है ना, तो V2 और V3 बनाने के लिए लास्ट में ई नाइन है तो जोड़ेंगे ED, क्या जोड़ेंगे, तो हो जाएगा प्लेड, क्या जाएगा, PLAYED प्लेड, यहाँ पर भी हो जाएगा PLAYED प्लेड, हम V5 नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, V2 और V3, ठीक है। यहाँ देख लास्ट में ई है तो खाली जोड़ देंगे डी, क्या जोड़ देंगे, सिर्फ जोड़ देंगे डी तो हो जाएगा V2 और V3 और तो हो जाएगा क्या, यहाँ जाएगा डाइड, क्या जाएगा, नहीं बोलता है डेड हो गए नहीं बोलता है ना, तो यहाँ भी हो जाएगा डाइड, क्या जाएगा डाइड। यहाँ देखे स्लिप क्या है, तो लास्ट में ई नाइन है तो जोड़ेंगे ED, क्या जोड़ेंगे, V2 और V3 बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, ED, क्या जोड़ेंगे, तो जाएगा स्लिप्ड, क्या जाएगा स्लिप्ड, यहाँ पर जाएगा नहीं, स्लिप का अलग होता है, इसको रटना पड़ेगा, स्लिप का होता है सेलेक्ट, रटना पड़ेगा, ठीक है ना। वाक देख, या देख वाक, तो वाक के देख लास्ट में ई नहीं आ रहा है तो जोड़ेंगे क्या, ED, क्या जोड़ेंगे, तो हो जाएगा वाकड, क्या जाएगा वाकड, यूँ हो जाएगा वाकड, समझा तुम लोग, उसके सीट को जाएगा क्या, सीटेड, क्या जाएगा, यहाँ पर डबल टी का हाल नहीं बताएंगे, देख यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे, जब तुम लोग का थीम पढ़ाए थे, देख यहाँ पर, जब अंत में हो कॉन्सोनेंट, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले वोवेल आएगा, उसके पहले वोवेल आएगा, तो V2 और V3 बनाने के लिए जो लास्ट में जो वर्ड है, जो लास्ट में जो लेटर है उसको डबल करते हैं, और V4 बनाने के लिए भी डबल कर देंगे, क्या कर देंगे, डबल, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे समझ आएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा सीटेड, क्या जाएगा सीटेड, इसे तो नॉर्मल है, सब जानता है बनाने, डी और ईडी जोड़ के बनाने सब जानता है, लेकिन हमको ऐसा वैसा पढ़ना है जो क्या अपवाद, क्या है, तो उसका भी हम तीन लिस्ट लिखाएंगे, कितना लिस्ट लिखाएंगे, तीन को लिस्ट लिखाएंगे, उसको याद कर लेना, क्या करना है, क्योंकि टेंस में बहुत काम देगा, टेंस में क्या देगा, बहुत काम देगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर हम बार बार नहीं बताते रहेंगे, याद रहेगा तो फटाफट बनेगा, क्योंकि टेंस में कभी हम भीट टेंस में जब पड़ेगा तुम्हें प्रेजेंट टेंस, तो उसमें करना पड़ेगा तुमको V1 और V5 का यूज, जब पड़ेगा पास्ट टेंस तो उसमें यूज करना पड़ेगा तुमको V2 का यूज करना पड़ेगा, और V3 का यूज करना पड़ेगा परफेक्ट टेंस में, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, अब V4 का यूज करना पड़ेगा सब में, प्रेजेंट हो या पास्ट हो या परफेक्ट हो, समझ गया ना, तो उस समय याद रहेगा तो ईजी पड़ेगा। देख बीट मतलब होता है शर्त लगाना, क्या होता है शर्त लगाना, शर्त पहले हम हिंदी सबका लिख लेते हैं, लेट मतलब होता है यहाँ डंडे छोड़ना, क्या होता है, और मैथ में लिखेंगे लेट तो लेट मतलब हो जाएगा मानना, नहीं लिखता है लेट x बराबर इतना लिखता है, हम लोग लिखते हैं माना, क्या लिखते हैं, ऐसे क्या लिखता है लेट, क्या लिखता है लेट, LET लेट, लेट मतलब छोड़ना, लेट मतलब माना, दोनों होता है, मानना क्या होता है मानना, उसी में कहा पुट, पुट मतलब रखना, पुट मतलब रखना, कट, कट मतलब काटना, कट मतलब काटना, सेट यहाँ पर क्या है SET सेट, सेट मतलब यहाँ ध्यान एस यहाँ पर लिख दिए, छोड़ना लिख दिए ना, सेट मतलब होगा बैठना, क्या होगा सीट मतलब बैठना होता है SIT सीट, सेट मतलब स्लोटा भी, कट सूट, सूट मतलब क्या होगा सूट ना कहता है, नहीं सूट ना है सट है, क्या है सट मतलब बंद करना, सट मतलब बंद करना, सट मतलब बंद करना, हर्ट नहीं बोलता है कि तुम लोग का कि तुम हमारा हर्ट कर देनी यानी चोट पहुँचा देनी यानी दर्द देनी नहीं बोलता है, तो हर्ट मतलब चोट पहुँचाना, हर्ट मतलब चोट पहुँचाना, चोट पहुँचाना, ठीक है ना। उसी प्रकार कास्ट, कास्ट मतलब होता है यहाँ डंडे बंद, कास्ट, कास्ट मतलब होता है यहाँ, कोस्ट मतलब होता है कीमत, क्या होता है कीमत, और कास्ट मतलब होता है, कास्ट मतलब जाति होता है, नहीं बोलता है कौन कास्ट का तुम लोग है, बोलता है कौन कास्ट का है, तो मतलब कास्ट मतलब क्या होता है जाति, लेकिन यहाँ डंडे कास्ट मतलब क्या होता है जाति, क्या होता है, लेकिन यहाँ कास्ट यहाँ पर जाति थोड़े भर्व हुआ, जाति भर्व नहीं हुआ, तो कास्ट यहाँ डंडे कास्ट मतलब होता है यहाँ पर, यहाँ पर छोड़ना था ना, यहाँ पर भी होता है छोड़ना, क्या होता है छोड़ना, और कॉस्ट मतलब हो गया कीमत, कॉस्ट मतलब क्या हो गया कीमत लगाना, कीमत लगाना, और रीड मतलब होता है पढ़ना, क्या होता है पढ़ना, और स्पीड मतलब होता है फैलना, क्या होता है फैलना, और जितना भी लिखा है सबका एक विशेषता है, विशेषता क्या है यहाँ ध्यान दे, ये जो हम जितना भी लिखा है इसका विशेषता क्या है कि इसका V1, V2 और V3 सेम होता है, याद करना, क्या बोल रहे हैं, इसका V1, V2, V3 सेम होता है, तो इसको याद करना, इसका V1 जितना भी लिखा है इसका V1, V2, V3 सेम होता है, पूछेगा बेट का V2 क्या होगा, तो बेटे होगा, V3 क्या होगा, तो बेटे होगा, समझा तुम लोग,
लेट का बी थ्री बी टू क्या होगा तो लेटे होगा, इसका भी क्या होगा लेटे होगा, समझा तुम लोग। पुट का बी टू क्या होगा तो पुट होगा, बी थ्री क्या होगा तो पुटे होगा। उसी प्रकार यहाँ पर कट का बी टू क्या होगा तो कटे होगा, इसका भी क्या होगा कटे होगा। इसलिए वो लिस्ट हम बना दें कि तुम लोग को याद कर लेना है, समझ रहे हैं, क्योंकि मान लो उसमें टेंस में यूज करना पड़ेगा बी टू कट के क्या होगा तो उसमें खोजेगा नहीं है ना। याद रहना चाहिए कट का तीनों कटे होता है, पुट का तीनों पुटे होता है, याद रहेगा तब ना। लेट का तीनों लेटे होता है, उसके बाद सेट का क्या जाएगा सेटे हो जाएगा, क्या जाएगा सेटे हो जाएगा तीनों, तो सब एक जगह लिख दिया यार, सुविधा होगा ना होगा। अब मिलर रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। उसके बाद शर्ट का क्या होगा, शर्ट मतलब बंद करना ना बताए, दरवाजा शर्ट कर दो यानी बंद कर दो, शर्ट मतलब तो शर्ट के सटे होगा, क्या होगा शर्ट। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हट, तो हट का हटे होता है, वी टू और वी थ्री क्या होता है हट, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पर है कास्ट क्या है, तो कास्ट का कास्टे होगा, क्या होगा कास्ट। उसी प्रकार यहाँ पर है कोस्ट, कोस्ट क्या होगा कोस्ट, यानी वी टू वी थ्री सब सेम, ठीक है ना। वी वन वी टू वी थ्री सब रीड का क्या होता है, रीड का होता है रीडे होता है, लेकिन इसको पढ़ते हैं अलग, रीड रेड रीड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं पढ़ने तरीका अलग है। वी वन है तो पढ़ेंगे रीड, वी टू है तो पढ़ेंगे रेड, और वी थ्री है तो पढ़ेंगे रीड, यानी यहाँ रहने रीड रेड रीड, समझा तुम लोग। और सब वी वन वी टू वी थ्री सब सेम है, जैसे मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड, मैं पढ़ता था तब आई रेड, समझ रहा है ना, यहाँ रहने। और मैं पढ़ चुका हूँ तो आई हैव रीड, देखो तीनों एक जो तीनों रीड रही तीनों का रीडे रही, पढ़ने तरीका अलग, रीड रेड रीड, समझा तुम लोग। और यहाँ फैलना का स्पीड, फैलना स्पीड इसको याद कर लेगा, जगह लिख याद कर लेगा ना, जो सेम है याद रहेगा, समझ आ गया तुम लोग को। आप सीखेंगे वी फोर बनाने, तो वी फोर सिंपल आई एन जी जोड़ दो वी फोर बन जाएगा, आई एन जी जोड़ दो वी फोर बन जाएगा, तो जोड़ दे बीट में आई एन जी। तो देखें यहाँ पर, यहाँ पर ध्यान दे टी है क्या कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के पहले क्या आ रहा है कॉन्सोनेंट के पहले क्या आ रहा है वोवेल, तो जब भी कॉन्सोनेंट लास्ट में हो कॉन्सोनेंट पहले वोवेल रहे तो वी फोर बनाने के लिए लास्ट लेट डबल कर देते हैं, जाएगा बेटिंग, क्या जाएगा समझा तुम लोग। यहाँ पर है लेट क्या है तो जाएगा लेटिंग, क्या जाएगा यहाँ है पुट तो जाएगा पुटिंग, यहाँ पर है कट हो जाएगा कटिंग। जैसे देखा तुम लोग देखता है राइट, क्या देखता है राइट देखता है ना, नहीं देखता है इसमें, इसमें देखिए यहाँ पर टी ई को ई को हटा देता है, डबल टी करके लिखता है, देखा है तुम लोग, क्योंकि टी के पहले आ रहा है आई। यहाँ ध्यान दे, यहाँ सेट हो जाएगा सेटिंग, यहाँ पर है सूट तो हो जाएगा शूटिंग, यहाँ पर हर्ट तो हो जाएगा, यहाँ देख यहाँ पर भोवेल नहीं आ रहा है तो खाली हटिंग, क्या हो जाएगा यहाँ पर कास्ट हो जाएगा कास्टिंग, क्या जाएगा कास्टिंग। तो वी फोर बनाना बहुत ईजी है, वी फोर में कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पर कोस्ट हो जाएगा कोस्टिंग, क्या जाएगा यानी सिर्फ आई एन जी जोड़ ले जाओ बन जाएगा। यहाँ पर रीड तो हो जाएगा रीडिंग, क्या जाएगा समझा, यहाँ स्प्रिट हो जाएगा स्प्रिडिंग, तो यानी वी फोर तो सबसे ईजी है ना, खाली आई एन जी जोड़ ले जाए, खाली ध्यान देना कि जो अगर लास्ट में रहेगा कॉन्सोनेंट उसके पहले रहेगा वोवेल तो लास्ट लग डबल कर देना, कोई दिक्कत। वी फाइव भी तो बता दिए, तो वी फाइव में अगर अंत में ओ हो या एस हो या डबल एस हो या सी एच हो या एस एच हो या एक्स हो, तो जब अंत में भर्व के अंत में इतना चाहिए होता है, क्या जोड़ते हैं ई एस, क्या जोड़ते हैं ई एस। अगर अंत में वाई हो, अंत में क्या हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, वाई पहले क्या हो तो वाई को मार देना है, जोड़ते हैं आई एस, बताए थे ना। चलो बस बताओ क्या यहाँ पर बीट क्या है, तो कौन नियम नहीं फॉलो कर रहा है, खाली एस जोड़ दे, क्या जोड़ देंगे जब कौन नियम है तो एस, ठीक है ना। यहाँ पर है लेट तो जाएगा लेट्स, क्या जाएगा लेट्स, यानी वी फोर वी फाइव को दिक्कत ना है, दिक्कत तुम्हारा है वी टू वी थ्री, वी टू वी थ्री रटना पड़ेगा, ठीक है ना। उस प्रकार यहाँ पर है पुट तो जाएगा पुट्स, कोई नियम नहीं फॉलो कर रहा है तो एस जोड़, जब कोई नियम नहीं तो जब भी दोनों नियम नहीं फॉलो कर रहा है तो क्या जोड़ना है एस, ठीक है। यहाँ पर है क्या कट तो यहाँ होगा कट्स, क्या होगा कट्स, क्या होगा वहाँ पर है क्या सेट तो हो जाएगा सेट्स, वहाँ पर है सूट शर्ट तो यहाँ होगा शर्ट्स, क्या जाएगा शर्ट्स, वहाँ पर है हट तो यहाँ जाएगा हट्स, क्या जाएगा हट्स, वहाँ पर है कास्ट तो यहाँ जाएगा कास्ट, क्या जाएगा कास्ट। असम में बोलेगा ऐसे जोड़ रहा है तो इस नियम फॉलो करेगा तब नहीं ये जोड़ेंगे, यहाँ पर कोई लास्ट में ऐसा एवन कर रहा है तो क्या जोड़ेंगे, जोड़ेंगे क्या वहाँ पर, क्या है फिर कॉस्ट हो जाएगा, यहाँ पर कॉस्ट, क्या जाएगा कॉस्ट, वहाँ पर है फिर रीड तो यहाँ जाएगा रीड्स, वहाँ पर है स्प्रीड, अरे यहाँ पर ऊपर में रहेगा वहाँ नीचे पहुँच गया स्प्रीड्स,
तुम लोग मिला के लिख लेना, समझा तुम लोग, कोई दिक्कत? तीस एक लिस्ट में लिखा दिए, एक लिस्ट में किसको लिखा है? इसका B1, B2, B3 सेम हो, B1, B2, B3 ये तो सब बनाने जानता है, B4 और B5 रटना ना, ये तो सब बनाने जानता है, जानता है ना? रटना तुम्हारा ई दोनों पड़ेगा, जल्दी लिख ले, और तुम लोग भी लिख सकता है। चलो यहाँ ध्यान दो, अब देखो, अब जो लिस्ट हम जो हम लिस्ट लिखे हैं, जो भर्व का जो लिस्ट लिखे हैं, यहाँ ध्यान दे, जो भर्व का जो लिस्ट लिखा है, इसका तीनों फल अमरी अलग होगा, B1 भी अलग, B2 भी अलग, और B3 भी, और B4, B5 तो बनाने जान भी करता है। तो इसका भी इसका इसको जितना लिखा सब याद करना, इसका B1 भी अलग, B2 भी अलग, और B3 भी अलग होगा। देख पहले पहले यहाँ पर एराइज क्या है, एराइज मतलब होता है जागना, क्या होता है जागना, क्या होता है जागना, डू मतलब होता है करना, क्या होता है करना, ड्रिंक मतलब होता है पीना, क्या होता है पीना, ईट मतलब होता है खाना, क्या होता है खाना, फ्लाय मतलब होता है उड़ना, क्या होता है उड़ना, फॉरबिड मतलब होता है मना करना, क्या होता है मना करना, चूज मतलब होता है चुनना, क्या होता है चुनना, बलो मतलब होता है बहना, क्या होता है बहना, बिगिन मतलब होता है शुरू करना, बिगिन मतलब शुरू करना, उसी प्रकार सिंह मतलब गाना, सिंह मतलब गाना, और सुई मतलब तैरना, सुई मतलब तैरना, और बियर मतलब सहन करना, बियर मतलब यहाँ भालू बुलाने दे देना, भालू भर थोड़े होगा, समझ रहे हैं, सहन करना, सहन करना, बीर मतलब क्षमा करना, बीर मतलब क्षमा करना, बाइट मतलब दांत काटना, बाइट मतलब दांत काटना, दांत काटना। अब देख तो गो भी डाल दे, चल यहाँ गो दे देते हैं, क्या दे दें गो, अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे तुम लोग, चल यहाँ ध्यान दे, गो मतलब जाना ना यार, सबके हिंदी पूछ ले लो, गो मतलब जाना, गो मतलब जाना। अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ जितना भी लिखे हैं सबका B1, B2, B3 अलग होगा, अभी हम एक लिस्ट लिखाए थे ना, उसमें सबका सेम था, B1, B2, B3 सेम था, लेकिन यहाँ जितना लिखा है सबका अलग होगा, क्या होगा इसका बाद में बताएंगे, क्योंकि जगह ना है। चलो यहाँ लिखते हैं, एराइज क्या जगह, एरोज क्या जगह, बेटू यार कर लेना है, और B3 होगा एराइजन, क्या होगा ठीक है ना, डू का होगा, डू का होगा, यहाँ ध्यान दे, डू का होगा डिड, क्या होगा B2 did और B3 डन, नहीं बोलता डन बोलता है ना, इसी प्रकार होता है ड्री, यहाँ पर है ड्रिंक, क्या है तो ड्रिंक का B2 होता है ड्रंक, क्या होता है ड्रंक, और इसका होता है ड्रंक, क्या होता है ड्रंक, क्या होता है ड्रंक, उसी प्रकार इट का B2 होता है एट, क्या होता है एट, क्या होता है, और B3 होता है ईटन, क्या होता है ईटन, क्या होता है ईटन, फ्लाई का B2 होगा फ्लू, क्या होगा FLEW, और B3 होगा फ्लून, FLEWREN, समझा तुम लोग। फिर यहाँ फोरबीड क्या है, फोरबीड का B2 होता है फोर बेड, क्या होता है फोर बेड, फोर बेड, अरे फोर बेड क्या होता है फोर बेड, और B3 होता है फोर बेडन, क्या होता है फोर बेडन, अब ध्यान दे, फोर BAD और EEN, ठीक है ना, फोर बेडन, EN नहीं, एक ही EN होगा, फोर बेडन क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ DD हो जाएगा, फोर बेडन, फोर बेडन, यहाँ ध्यान दे, चूज का होता है चूज का होता है यहाँ CHOSE, एगो देना है चूज का, एगो ओ देना है ठीक है ना, उसका यहाँ पर जाएगा चूजन, क्या जाएगा CHOOSEN, चूजन, समझ गया, ब्लू का होता है ब्लू, क्या होता है ब्लू का ब्लू, BLEW, BL, और यहाँ हो जाएगा BLEWN, ठीक है। फिर यहाँ पर बिगिन, बिगिन का होता है बिगेन, क्या होता है बिगिन का बिगेन, बिगिन का बिगेन, और B3 होगा बिगन, क्या होगा BEGUN, बिगन, समझा तुम लोग। उस प्रकार सिंग क्या है, सिंग का यहाँ होता है सेंग, क्या होता है सेंग, और यहाँ पर जाएगा संग, क्या होगा SUNG, उसी प्रकार स्विम, स्विम का हो जाएगा स्वम, क्या होगा SWM, और यहाँ हो जाएगा स्वम SWUM, समझा तुम लोग, देखा कैसे याद करना है। ओए यहाँ था बिगिन तो यहाँ दरिए ए, बिगन क्या हो गया बिगिन, क्या हो गया, यहाँ था सिंग तो देखो ए दरिए हो गया सेंग, यहाँ था स्विम तो देखो ए दरिए हो गया स्वम, ना हो गया। अब देखो B3 ध्यान दे, यहाँ पर था बिगिन तो यहाँ दरिए यू हो गया बिगन, ना हो गया। यहाँ पर था सिंग तो देखो यहाँ यू दे दिए संग, हो गया। यहाँ पर था स्विम तो देखो यहाँ यू दे दिए SWUM दे दिए,
याद हुआ, इसको याद करना पड़ेगा कोई उपाय ना है, क्योंकि सब ने तो बहुत फंसाएगा, समझ आ गया ना। उसमें कहा बियर को हो जाएगा, कहाँ लिखे इसका, बियर चलो यहाँ लिख देते हैं, बियर का हो जाएगा बोर, क्या हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा बोरेन, बीड का होगा बीडन, क्या होगा, देखो यहाँ पर यहाँ भोवेल है, सॉरी कॉन्सोनेंट है, फिर भोवेल है, तो लास्ट कॉन्सोनेंट है तो डबल हो जाएगा बी आई डबल डी ई एन, ठीक है ना, ना ना यहाँ पर डबल ना होगा, क्योंकि तीनों अलग है, यहाँ बी डी होगा, यहाँ डबल हो जाएगा बी आई डबल डी ई एन, यहाँ ध्यान दे बाइट है तो बाइट का हो जाएगा, यहाँ ध्यान दे बाइट है ना, यहाँ बाइट का बाइट था इसमें, इसमें बाइट ना होगा, बाइट ना होगा, बाइट का बाइट रहता है, चलिए ध्यान दे इसी के ना, चलिए ध्यान दे। अब यहाँ एराइज क्या है, एराइज तो यहाँ ध्यान दो, एराइज है तो क्या बिफोर बनाने लिए क्या करेंगे, आई जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे, तो एराइजिंग क्या हो गया, एराइजिंग, डू है तो क्या जाएगा, डूइंग, क्या जाएगा, डूइंग, तो सिंपल है, फिर यहाँ पर है ड्रिंक तो क्या जाएगा, ड्रिंकिंग, क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग, फिर है ईट तो क्या हो जाएगा, ईटिंग, क्या हो जाएगा, ईटिंग, फ्लाई तो फ्लाइंग, ये तो उसके बाद फॉरबिड है तो फॉरबिडिंग, चूज है तो चूजिंग, फिर क्या है, ब्लो है तो ब्लोइंग, फिर क्या है, फिर है बिगिन, बिगिन तो बिगिनिंग, क्या जाएगा, बिग निंग, क्या है, सिंग है तो सिंगिंग, सिंग सिंग इंग, स्विम है तो स्विमिंग, एस डब्ल्यू आई एम, यहाँ डबल एम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट है, वोवेल है, तो डबल एम आई एन, अरे कदा लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले वोवेल हो तो लास्ट का कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, स्विमिंग, क्या हो गया, कहाँ इट, इसमें इसमें ना होगा, ठीक है ना, इस बार कुछ होता है इसमें ना होता, स्विमिंग में होगा, चलिए यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे क्या है, एराइज क्या है, तो यहाँ यहाँ पर क्या जाना, ए आर आई एस ई है, और लिख लेना, दूगो लिख लेना, यहाँ ध्यान दे, पहले इसको लिखने देना, एराइज क्या है, एराइज तो लास्ट में लगा दो एस, क्या लगा देंगे, यहाँ पर डू तो लास्ट में लगा दो, लास्ट में ओ है तो ई एस, क्या लगा देंगे, ई एस, यहाँ पर ड्रिंक क्या है, कोई नियम फॉलो नहीं कर रहा है दोनों में से, तो खाली एस, क्या लगा देंगे, यहाँ पर है ईट तो क्या आएगा, इट्स, क्या हो जाएगा, यहाँ पर है फ्लाई तो क्या आएगा, वाई है, वाई है तो लास्ट में वाई हो, उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को मर्डर करते हैं, आई एस देते हैं, क्या देते हैं, आई एस, यहाँ पर है फोर बीड तो जगह, यहाँ पर एफ ओ आर बी आई डी एस, फोर बीड्स, यहाँ पर है चूज तो जगह, यहाँ पर सी एच डबल ओ एस ई एस दे दो, यहाँ पर है बलोच क्या जाएगा, बलोच क्या जाएगा, यहाँ पर है बिगिन बी ई जी आई एन तो यहाँ आएगा बिगिनस, यहाँ पर है सिंग तो यहाँ पर जाएगा सिंग्स, यहाँ पर है स्विम तो यहाँ जाएगा स्विम्स, क्या जाएगा, स्विम्स, इसका बोल रहा है, यहाँ पर है क्या है, यहाँ पर है बियर तो यहाँ जाएगा बीरिंग, क्या जाएगा, और उसमें बियर्स, यहाँ पर है बीड तो यहाँ जाएगा बीडिंग, और वहाँ पर बिड्स, वहाँ पर बिड्स हो जाएगा, बस लिख लेना, लिखना है इसको जल्दी कर, चलो यहाँ ध्यान दो, अब ओए अब जो लिस्ट है लास्ट लिस्ट है, ठीक है ना, इसमें क्या होगा, इसमें देख यहाँ पर, अभी हम जो पहले बताया था उसमें वी वन वी टू वी थ्री सब सेम था, ये जो पहले लिस्ट लिखा था सेम नहीं था, जो सेकेंड लिस्ट बताया था उसमें वी वन वी टू वी थ्री तीनों अलग था, नहीं था, इसमें क्या होगा, इसमें देख यहाँ पर, इसमें वी टू और वी थ्री सेम होगा, क्या होगा, वी टू और वी थ्री सेम होगा, समझ रहा है ना, वी वन अलग होगा लेकिन वी टू और वी थ्री क्या होगा, सेम, ठीक है, पहले ये सबका हिंदी लिख देते हैं, देख सेंड मतलब होता है भेजना, सेंड मतलब भेजना, अभी सब राखी भेजेगा ना तो सेंड करेगा यानी सेंड करेगा, ना बोलता मैसेज सेंड कर रहा है, ठीक है ना, होल्ड मतलब होता है पकड़ना, क्या होता है, पकड़ना, ना बोलता होल्ड करके रख ले, ठीक है ना, ऐसा ये भी सुनता है कि मतलब होल्ड पर थी, होल्ड पर रहना, बात कराएंगे दूसरा, नहीं सुनता है, यानी पकड़ के रहो, मोहल्ला मोहल्ला छोड़ने देने, मोहल्ले पर रहना, चलिए डंडे, डिंग मतलब खोदना, डिंग मतलब, अरे बंदर, डिंग मतलब खोदना, डिंग मतलब बाण मतलब बांधना, बाण मतलब बांधना, फिर मतलब खिलाना, फिर मतलब खिलाना, फिर मतलब फूड मतलब, फूड मतलब खाना, फूड मतलब खाना, खाना खाने वाला ना, इट मतलब खाना, फूड मतलब खाना यानी जो खनमा तुम्हारा घर में है,
समझ रहा है ना, समझता है वो सोना होता है स्वर्णमार्ग पहनने वाला, एगो सोना होता है सोने वाला, सब खाना दूगो हो गया ना, हो गया एगो खाना मतलब खाना, खाना मतलब एगो खनमा तो ना घर में भाता दल जैसे वाला जो बोला वो खनमा होगा समझा, तो एगो नाउन एगो भर्व, एगो नाउन एगो उसी प्रकार सोना बोले तो सोना पहनने वाला हो गया नाउन और सोने वाला हो गया भर्व, समझा तुम लोग, चलिए आ रहे अंदर। तो फाइट मतलब लड़ना, फाइट मतलब लड़ना, फाइट मतलब खोजना, फाइट मतलब खोजना, इट गेट मतलब है गेट मतलब पाना, गेट मतलब पाना, हाइड हाइड मतलब छिपाना, हाइड मतलब छिपाना, वीन मतलब जीतना, वीन मतलब जीतना, शूट मतलब गोली मारना, शूट मतलब शूट मतलब शूट मतलब गोली मारना, शूट मतलब गोली मारना, साइन मतलब चमकना, साइन मतलब समकना, सीट मतलब बैठना, सीट मतलब बैठना, और स्टैंड मतलब खड़ा होना, स्टैंड मतलब खड़ा होना, यहाँ सब लिख दिए ना, ना लिख दिए सब। अब यहाँ ध्यान दो इसका क्या होगा, इसका भी टू और भी थ्री सेम होगा, भी टू और भी थ्री ऐसे बोलेंगे सेंट, क्या बोलेंगे तो सेंट का सेंट, सेंट का भी टू सेंट, इसका भी सेंट, उसके कारण यहाँ पे होल्ड, तो होल्ड का भी टू हेल्ड, होल्ड का हेल्ड, उठा फेंकना उसमें, जब बोला भी टू और भी थ्री सेम होगा तो भी टू भी थ्री सेम होगा कि भी वन भी सेम हो जाएगा, भी वन तो वही रहेगा ना, भी टू में बदलेगा और जब भी टू में बदल जाएगा वही भी थ्री में होगा, हम भी वन थ्री बोले सेम होगा, उससे सबसे पहले लिखा है तो उसमें भी वन भी टू भी थ्री तीनों सेम था ना, था यहाँ हेल्ड, तो यहाँ भी हेल्ड, यहाँ भी हेल्ड, नहीं चल रहा, चलिए आ रहे अंडे, यहाँ है डिग, यहाँ क्या है तो यहाँ होगा डग, क्या होगा यहाँ भी क्या होगा डग, यहाँ पर है बाइंड, क्या है तो यहाँ जाएगा बैंड, क्या हो जाएगा यहाँ भी, यहाँ पर क्या है फीड, तो यहाँ होगा एफ ई डी, एगो एफ ई डी, यहाँ पर है क्या फाइट, क्या है तो यहाँ जाएगा फाउट, क्या जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा फाउट, यहाँ पर है फाइंड तो यहाँ जाएगा फाउंड, क्या जाएगा फाउंड, यहाँ पे हो जाएगा एफ ओ यू एन डी फाउंड, यहाँ पर है गेट तो यहाँ जाएगा गोट, गोट दू गो, एगो गोट मतलब बकरी, बकरी हो गया नाउन, एगो जी ओ टी गोट, गोट मतलब पाना, ठीक है ना, तो यहाँ भी क्या होगा गोट, यहाँ पर है हाइड, यहाँ पर क्या है हाइड तो यहाँ जाएगा हिड, यहाँ भी हिड, यहाँ ध्यान दे, यहाँ आई विन तो यहाँ जाएगा वन, क्या जाएगा वन, आई वन मैं जीता, आई वन मैं जीता, ठीक है ना, यहाँ पर है सूट तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ ध्यान देखा ना, यहाँ पर क्या है एस एच डबल ओ टी सूट तो यहाँ पर एगो ओ हो जाएगा, एस एच ओ टी शॉट, यहाँ पर ही, यहाँ पर क्या है यहाँ है साइन तो यहाँ जाएगा सोन, क्या हो जाएगा एस एच ओ एन ई, यहाँ भी हो जाएगा एस एच ओ एन ई, यहाँ पर है सिट तो यहाँ जाएगा सेट, क्या जाएगा यहाँ पे जाएगा सेट, यहाँ पर है स्टैंड तो यहाँ जाएगा अस्टूड, क्या जाएगा अस्टूड, यहाँ पे हो जाएगा अस्टूड, कोई दिक्कत है तो बस ये दोनों खलियार करना है जिसमें भी टू अभी थ्री सेम है ना, ऐसे हो गया ना, अभी तो सिंपल है कोई भी लिख लेगा, यहाँ पर है डिग तो यहाँ डिगिंग, यहाँ पर है बाइंड तो यहाँ जाएगा बाइंडिंग यानी आई एन जी लगा दे, वहाँ पर है फीड तो यहाँ जाएगा हो जाएगा फीडिंग, डबल डी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या है लास्ट में कॉन्सोनेंट फिर थी, फिर क्या है फिर है फाइट तो यहाँ जाएगा फाइटिंग, क्या जाएगा फाइटिंग, फिर क्या है फाइंड तो जाएगा फाइंडिंग, क्या जाएगा फाइंडिंग ना जाएगा, फिर क्या है गेट तो जाएगा गेटिंग, क्या जाएगा गेटिंग, क्या जाएगा गेटिंग, फिर हाइड तो जाएगा हाइडिंग, क्या जाएगा हाइडिंग, फिर क्या है विन तो जाएगा विनिंग, क्या जाएगा फिर क्या है शूट तो जाएगा शूटिंग, क्या जाएगा आई एन जी, एक एक टी रहेगा, फिर क्या है साइन तो जाएगा साइनिंग, क्या जाएगा साइनिंग, फिर क्या है सीट तो जाएगा सीटिंग, क्या जाएगा सीटिंग, फिर क्या है स्टैंड तो जाएगा स्टैंडिंग, क्या जाएगा स्टैंडिंग, ये बना लेगा अपने क्या बना लेगा, यहाँ जाएगा सैंडिंग, क्या जाएगा सैंडिंग, यहाँ जाएगा होल्डिंग, क्या जाएगा होल्डिंग, यहाँ पर जाएगा सैंड, क्या जाएगा
सेंड्स, यहाँ आ जाएगा हॉल्ड्स, क्या होगा हॉल्ड्स, यहाँ आ जाएगा डिक्स, क्या आ जाएगा डिक्स, यहाँ आ जाएगा बाइंड्स, क्या होगा बाइंड्स, यहाँ फीड्स, यहाँ पर फाइट्स, यहाँ पर फाइंड्स एफ आई एन डी एस, यहाँ पर गेट्स जी ई टी एस, यहाँ पर हेल्ड्स एच ई एल डी, हाइड है हाइड हाइड हाइड्स, फिर क्या है विन तो जाएगा विंस, क्या आ जाएगा विंस, ठीक है ना, फिर है सूट तो जाएगा सूट्स, क्या होगा, फिर है साइन तो जाएगा साइंस, साइंस उबला नहीं एस आई एन सी एस आई एन ई एस, वहाँ है सीट तो जाएगा सीट्स, क्या आ जाएगा सीट्स, वहाँ पर है क्या अस्टैंड तो जाएगा अस्टैंड, क्या आ जाएगा अस्टैंड, भर हुआ समाप्त, भर हुआ समाप्त हुआ, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दे, एक यहाँ ध्यान दे, क्या हुआ एक अपवाद होता है, यहाँ ध्यान दे तुम लोग, भर विषय याद कर लेना, याद नहीं रहेगा तो टेंशन बहुत दिक्कत होगा, हम बता दिए, एक बताया था तुम लोग को भर जैसे वी वन वी टू वी थ्री तीनों सेम था, एक बताया था जिसमें वी वन वी टू वी थ्री तीनों अलग था, एक बता रहे हैं वैसा भर जिसमें वी वन तो कुछ अलग है, वी टू और वी थ्री सेम है, वी टू और वी थ्री सेम है, यहाँ ध्यान दे, तुम लोग को पढ़ाए थे हम हेल्पिंग भर, क्या पढ़ाए थे, तो हेल्पिंग भर में दो प्रकार का होता है हेल्पिंग भर, एक पढ़ाए थे तुम लोग क्या है पढ़ाए थे हम क्या ई जेम आर ना पढ़ाए थे, एक डू वाला पढ़ाए थे, डू में पढ़ाए थे डू डिड डन पढ़ाए थे, एक पढ़ाए थे तुम लोग बी वाला पढ़ाए थे, बी में इज एम आर वाज वेयर पढ़ाए थे, और पढ़ाए थे क्या और पढ़ाए थे बी और पढ़ाए थे बिन पढ़ाए थे, पढ़ाए थे ना, एक पढ़ाए थे कौन, एक पढ़ाए थे तुम लोग को हैव वाला पढ़ाए थे, हैज हैव और हैड पढ़ाए थे ना, तो ये था इसको बोलते हैं जुर्ली वर्ब, क्या बोलते हैं ना लिखाए थे कि इसको हम एक जुर्ली वर्ब बोलते उस समय भी लिखाए थे ना, लेकिन एक होता है मॉडल वर्ब, क्या होता है मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब तुम लोग का क्लास नंबर स्पेशल चलेगा, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब में क्या होता है जैसे हो गया कैन हो गया कूड हो गया सूड हो गया उड हो गया, ठीक है ना, कैन कूड सूड उड मे माइट मे माइट, ये सब क्या है, ये सब है मॉडल वर्ब, क्या है सब, मैं यह काम कर सकता हूँ तो आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता हूँ, ठीक है ना, मैं यह काम कर सकता था तो आई कैन आई कुड दिस वर्क, आई कुड दिस वर्क, ठीक है ना, समझ गया ना, आई कुड दिस वर्क, उसके बाद मुझे यह करना चाहिए तो आई शुड उसके बाद डू दिस, मुझे यह करना चाहिए आई शुड डू दिस, ठीक है ना, ये सब बनाएंगे, एक स्पेशल क्लास चलेगा मॉडल भर का, समझ आ गया ना, कोई दिक्कत, चल भाग इतना, हाँ।